सो वेल गुड मॉर्निंग एंड एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज गाइस अभी हम निकले हैं लॉज से और जा रहे हैं आज हम बड़ा सुब्बा मंदिर जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। एंड इट्स द डे टू एक्चुअली, बट आई डोंट नो ये एक ही ब्लॉग में आएगा या फिर दो ब्लॉग होगी। हाउएवर आई विल ट्राई टू मेक इट अ सेपरेट ब्लॉग ऑल टुगेदर। और अभी मैं हूँ धरान पे, दिस इज़ धरान। और हमारे साथ है हमारे फ्रेंड, हमारे भैया काजी दाई। और नेपाली टर्म में दाई का मतलब होता है बड़ा भैया, बड़े भैया, ठीक है। तो काजी दाई हमको लेके जा रहे हैं अभी, और इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे चलना है हमको मंदिर तक। और सोचा कि यार जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो इतना फेमस जो मंदिर है उसके दर्शन क्यों ना किया जाए। दर्शन करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी हमको, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, राइड पे सुविधा होगा, मेंटल पीस रहेगी, मेनी मोर थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कल का दिन काफ़ी हेक्टिक गया यार, काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था मैं, इवन मेरे पार्टनर भी। और जल्दी खा पी के रात में हम लोग सो गए थे। और अपडेट तो आपने देख ही लिया था कि मैंने रेस्टोरेंट से आपको अपडेट दी थी, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे हम लोग तो जल्दी सो गए और उठे भी देरी से। आज वी वोक अप अराउंड 8:30, फिर फ्रेशन अप हुए और हल्का सा ब्रेकफास्ट करके अभी निकले। यहाँ का मौसम कैसा है अगर बताना हो तो बताऊँ तो अभी अभी धूप खिल उठी है, इट्स अ सनी डे, पर हवाएं चल रही है मस्त सी। फेमस धरान क्लॉक टावर मेरे आगे, और ये बस स्टॉप है। एंड दिस इज भानु चौक। भानु चौक से चलना है स्ट्रेट हमको ऊपर की ओर। तो हम मंदिर पहुंच गए हैं अभी। ये मंदिर प्रोविंसेस है, ये मंदिर का एरिया होता है स्टार्ट यहाँ से। ओके, पार्किंग थोड़ी नहीं मिल रही है हमको। काजी तो यही रख दूँ वाला, अब यहाँ रख दूँ ना मैं, और सोच रखा जो ताली मिला है तो। दिस इज बुरा सुबह के टेम्पल यार। अच्छा, इसका बाँस को चाहिए कि इतिहास है, हजुर हजुर ए
टाउको छैन अच्छा त्यहीँबाट चाहिँ बाँस डल्लै उम्रेको सो गाइस अभी फिलहाल हमको ये बूढ़ा सुबह मंदिर की विशेषता के बारे में मालूम चला है एंड हमारे भैया काजी भाई ने बताया कि क्या है कि एक्चुअली काफ़ी साल पहले की बात है यहाँ पर कोई एक बुज़ुर्ग आए थे लिंबू बुज़ुर्ग उन्होंने जो धनुष बाण होता है वो बाण जो बांस से बनाई गई होती वो बाण को यहाँ पर उन्होंने गाड़ दिया था मिट्टी पे मिट्टी खोद के तो उसी बांस की वजह से आज ये पूरा ये बांस चारों तरफ ये बैम्बू के ट्रीज लगे हुए हैं और इसकी एक विशेषता है कि इसका टॉप जो होता है वो कटा हुआ है वो रहता ही नहीं है हाँ सही भी है चलो एक अच्छी बात मालूम चली चलो आगे बढ़ते हैं अभी फ़िलहाल तो यही इसकी विशेषता है कि जो बैम्बू ट्रीज है उसका टॉप नहीं रहता है देख लीजिए आप सबको मैं यहाँ का ऊपर जो दिखाना चाहूँगा सैटरडे है और सैटरडे क्या होता है कि वहाँ पर नेशनल हॉलीडे होता है जैसे वहाँ पर इंडिया में संडे है तो यहाँ सैटरडे हॉलीडे रहता है एंड इसी हॉलीडे के चक्कर में आज काफ़ी भीड़ उम रही है यहाँ पर काफ़ी भीड़ है टुडे इज वर्शिप डे तो आप भीड़ देख सकते हो यहाँ पर पूजा करने के लिए कितना भीड़ उमड़ के आया हुआ है सो गाइस फाइनली 15 किलोमीटर का वो बैट पैच जो था वो हमने ख़त्म कर लिया है और ख़त्म करने के बाद अभी हम बढ़ रहे हैं इटहरी की ओर जो कि नेक्स्ट 2-3 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे ज़्यादा दूर नहीं है और उसके बाद फिर कल जो रोड से हम आए थे उसी रोड से वापस जाएंगे ऐसा कुछ नया नहीं मिलेगा आपको और जो कल देखा हुआ रोड है वही रोड से वापस जाएंगे तो सेम किस्सा हुई कहानी ठीक है वही रहेगा सीन तो और इससे आगे और क्या बढ़ाना ब्लॉक को है कि नहीं ऑलरेडी आपने यहाँ तक देख लिया है तो गाइस वही इतना ही है आज के ब्लॉग पे फिर घूमता रहूँगा आपको दिखाता रहूँगा तब तक के लिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग पे तब तक के लिए स्टे सेफ टेक केयर एंड हेल्दी बाय बाय